अंकिता के बाद में ये भी माँ बनी है, ये भी बनी है, तो इधर तीन माँ बनी है लेटेस्ट माँ। तो गाइस हम फिलहाल आ चुके हैं वडोदरा गुजरात के अंदर पे, आपको बोर्ड दिखाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए नीरज भैया के घर पे, हम लोग आ गए राजीव भैया के घर पे, और राजीव भैया थोड़े मुरझाए मुरझाए लग रहे होंगे आपको, क्योंकि राजीव भैया है बीमार, तो राजीव भैया से मिलने आए थे हम लोग। अब कैसी है तबीयत आपकी? अभी थोड़ी देर पहले तक तो खराब थी, लेकिन अब आपके आने से ठीक हो गई। एक चीज है कि कई लोग बोलते हैं कि यार क्या होता है फॉलोवर से, क्या होता है ये सबसे, क्या ये लोग कोई काम नहीं आते। मैंने कल स्टोरी डाली थी, सिर्फ इतना बोला था कि आप लोग दुआ करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, और पिछले 10-15 दिन से लगातार बीमार था। उस स्टोरी में लोगों ने इतनी दुआ करी भगवान कसम, एक ही दिन में बुखार नहीं आ रहा तब से। और ये दुआएं मिलती है ना, ये भी बड़ी बात है। वैसे बाय द वे बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, और मुझे तो पता नहीं था आप लोग आने वाले थे, फिर अचानक वाइफ ने बताया, सरप्राइज वाइफ ने अलग ही खबर दे दी, सरप्राइज खराब कर दिया उसने। उसने बताया कि आप लोग आने वाले हो, लेकिन रोटी खा क्या होगी पता नहीं था, पेट भर गया। लेट आए ना हम, 10 बजे आए, वरना यहीं खाते खाना। ये देखो 10:54, नीचे फोटो में मत जाना, बस टाइम देखना, 11 बज गई है। ये किया सॉरी हमारी, और एक या का जो भाई ये छोटा वाला वो बाहर खेल रहा है। 24 दिसंबर को गुर्जर महोत्सव आ रहा है। जी जी, आप बहुत तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत बड़ा नहीं। बड़ा इवेंट है मेरा, और मुझे उसमें परफॉर्म करना है। ओके, उसके लिए जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, एज वेल हो जाऊँ, तो वो दुआ है। और बाकी आपको कोई गाना वाना करना है क्या? कर लेंगे हम तो, पहले सब्सक्राइबर आपके कहेंगे तब तो कोई गाने प्लान करेंगे आपको लेके। बिल्कुल, कमेंट करवा दो कितनी चाहिए। नहीं, सब टू सब तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो पुरानी बातें होगी, सब टू सब बोलने वाले पहले ट्रेंड चलता था। व्लॉग्स में आपके ना ट्रेंड मिला दो थोड़ा सा भाई को फटाफट से, जितने ज्यादा हो सके ना इनको शेयर करो वीडियोस को, खासकर जो इंडस्ट्री वाले उनको लगना चाहिए कि अब ट्रेंड पे है, तो अब इनको गानों में उतारना चाहिए बैक टू बैक। अभी तो मेरे सब्सक्राइबर ये चाह रहे हैं कि तू अच्छे अच्छे कपड़े पहन, अच्छी अच्छी जगह घूम, लेकिन किराए की गाड़ी। तेरे को खुद को गाड़ी नहीं दिलाएंगे, रोड पे घूमता रहा, धक्के खाता रहा। बस कपड़े अच्छे पहन ले, खा चले। देखो ऐसी बात है, श्याम बाबा का भजन सुना होगा कन्हैया मित्तल का जी, कि उसमें एक लाइन आती है कि किस किस को अपनी गाड़ी चाहिए। तो ये कुल मिला के सब सब्सक्राइबर्स को कहना चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से गाड़ी दिलवा दो, इनके वीडियो ट्रेंड में ला दो। इतनी विनती है कि हमको गाड़ी मिल जाए, तुम्हारे बच्चे परेशान ना हो, एक बैटरी वाला साधन दिला दीजिए। तो इनके जो ब्लॉग्स है उनकी बाउंड्री अब थोड़ी सी कूदनी पड़ेगी, हर ब्लॉग इनका कम से कम 1,00,000 से ऊपर जाए, और वो अब तब जाएंगे जब आप लोग प्यार दोगे बहुत ज्यादा। और उसके लिए ऐसा नहीं है देख लिया और कटआउट मार दिया, शेयर हर वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना शुरू कर दो, फिर देखो महीने भर के अंदर चैनल कहाँ होगा, मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और व्यूज की तो बल्ले बल्ले ही। आपको गाड़ी मिल जाएगी है ना, सब हो जाएगा, मेरे साथ वीडियो बनाया करो थोड़े से। तो ये हमारी राजू भैया की बहन, मतलब हमारी बहन पिलाडी की जो भाभी छे, वाच अनुजा भाभी, ये ओलाडी का चीज को ना होना जानू, बस ये राजू भैया की वाइफ छे, ये हमारी बड़ी भाभी छे। प्रियंका भाभी को फॉलो कर लेना, अनुजा भाभी को फॉलो कर लेना, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉलो वन ये, नींद में भी मुस्कुरा रही है मस्त। अंकिता के बाद में ये भी माँ बनी है, ये भी बनी है, तो इधर तीन माँ बनी है लेटेस्ट माँ। कैसे हैं आप, आपकी तबीयत सही है ना? मस्त, दोनों की बढ़िया। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की चाय आप भी पी लीजिए, हंसते हंसते देख लो कप पे भी हंस रहा है भाई, पता नहीं कौन है ये। तो दोस्तों अभी उठ गए हम, उठ के चाय पी रहे हैं, राजीव भैया के घर पे आज, राजीव भैया उधर सो रहे हैं, छोटी भाभी बड़ी भाभी बच्चे, अंकिता भी चाय पी रही है। ये देख तूने दूध की मुच्छी बना दी। हम तो बढ़िया है सब, हम तो बढ़िया है। कॉपी कर रही है मेरे को। इनका खाना खा लिया? कहाँ खाया, देख पानी तो नहीं उसमें, पानी तो नहीं है, पानी देखो, रखते नहीं हो तुम पानी, तो रुक पीते नहीं है ना, तेरे को दया नहीं आती, बच्चे को पानी भी नहीं पिलाता तू, हाँ ना को मंगली की दे रहा है, यहाँ से थोड़ी आएगा पानी। पानी पानी के नल थोड़ी है नाकों में, पिलाता है वो। इसका नाम पूछिए, क्या नाम है बेटा, चिड़ियों का नाम क्या है? प्रिया। प्रिया नाम है इनका, चिड़िया, चिड़िया, अच्छा फिर ठीक है। दोस्तों राजू भैया घर पे आ गए, हमारे पुआ का नाश्ता, तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये हमारा ड्रोन बंदूक लेके हमको धमकी दे रहा है। दोस्तों राजीव भैया घर से निकल गए हम लोग, और आज हम लोगों का टूर बनने वाला है मेहंदीपुर बालाजी के साइड का, तो उधर का प्रो ब्लॉग देखना आप लोग, बने रहना ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी मैंने कटिंग करवा ली भाई, बड़े बड़े बाल हो गए थे, तो थोड़ा सेट वेट करवा लिया डैडी को। राम राम जी दोस्तों, कटिंग भी हो गई तीनों के, अंकिता ने नया चूड़ा ले लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल गए श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए, हमारा निमंत्रण आया है वहाँ पे, मेरे दोस्त है उसके लड़की हुई है, तो कुआ पूजन होता है इनकी तरफ, तो कुआ पूजन है आज, तो वहाँ पे भी जाना है।
मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करवा देंगे आपको। हम पहुंच गए दोसा से पहले वाले टोल पे। उनकी तो बेटी है पीछे, मजा आ रहा है ना। लाइन ही बहुत लंबी है दोस्तों। हम लोग एक्सप्रेस हाईवे को पार कर लिए, दोसा भी निकल गया, आप सिकराय आने वाला है। और यहाँ पे थोड़ी लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, सनसेट भी हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे पेरिस रील्स जरूर से जरूर बना ले, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा ना कहाँ पे रील्स बनाए। तो गाइस हम फिलहाल आ चुके हैं वडोदरा गुजरात के अंदर पे, आपको बोर्ड दिखाते हैं वहाँ पे, दिखाइए जो लगाया हुआ है वहाँ पे वडोदरा का बोर्ड। लेकिन हम वडोदरा नहीं आए, हम आए दोसा बांदीपुर। और इधर का जितना भी चल झूठी झूठी औरत कहेगी, डेमो दे रही है गाइस। अभी हम लोग वडोदरा के अंदर ही, आप देख सकते हो बोर्ड, दिखाई नहीं दे रहा उधर। आप वडोदरा आ गए हो, रील बन तो गई तेरी, नहीं बना दिया, नहीं बनाऊंगा, रहन दे, आ जा यार, टेन टेन, चल बनाता हूँ तेरी रील, आ जा। तो भाई सब्सक्राइबर भाई मिल गए यहाँ पे, तो फोटो शूट चल रहा है। दोस्तों हम लोग आ गए बालपुर गांव के आसपास में, आगे से गाड़ी आ रही है गाइस, ये ईटे वाला ट्रैक्टर आधे घंटे से आगे चल रहा है, निकलने नहीं दे रहा। तो दोस्तों हम लोग आ गए इनके घर पे, तो दोस्तों हम लोग आ गए नीरज भैया के घर पे, तो आते ही खाना खा रहे हैं। बहुत टाइम बाद में ऐसी पतल देखने को मिल रही है, पुराने जमाने वाली। और दोस्तों यहाँ पे एक और सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि सबके पतल में जब पूरा खाना परोस दिया जाएगा कि भाई सबके कम्प्लीट है, तभी ही सब लोग एक साथ में स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ लोग खा रहे हैं और कुछ लोग नहीं खा रहे। दोस्तों अभी हम लोग खाना वाना खा के नीरज भैया के हॉल में बैठे हैं, तो अभी हमारी एम्मी इसकी मम्मी के पास रह ही नहीं दिए, चिल्ला रही थी तो मैंने मेरे पास ला दिया इसको, तो मस्त मुस्करा रही है। बेटा ऐसे परेशान ना करते, ऐसे मेहमानों में ऐसे थोड़े करते, और स्माइल कर रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ यार, हद है अब तो। और मेरे को लाते भी मार रही है, देखो दोस्तों इतनी जल्दी पप बोला तो मार रही है। चलो स्माइल कर, स्माइल कर, स्माइल करो। एमी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। दोस्तों भैया के प्रोग्राम में आए थे, तो यहाँ से अभी इनकी होटल में जा रहे हैं हम लोग रुकने के लिए, नाइट वहीं स्टे करेंगे। क्या ही मस्त कर रही है, एक्टिंग पूरी है, एक्टिंग बाज है, पेट में एक्टिंग करके आई है पूरी। अब तो खाली इसको फेमस होके मतलब नाम करना है माँ बाप का, ऑटोमेटिक हो जाएगी, माँ बाप नाम कर रहे हैं इसका, ये नहीं तो वो बात है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम लोग। अभी जीभ निकाल रही थी तो मौसी जी ने, बेणा जी बोल रही थी छोटी वाली, तो भाई आप भी निकालते हैं जीभ, इसलिए निकाल रही। नहीं हम नहीं निकालते। मौसी कौन सी? छोटी वाली है ना। अच्छा। हम जीभ नहीं निकालते, लेकिन हमारे साथ रहने वाली निकालते थे। तो उसको चली गई क्या? एक साइकिल है तुम्हारे पास? साइकिल? हाँ यार साइकिल नहीं है, वो है वो हेलीकॉप्टर, वो बच्चों का, वो नहीं अच्छा। हाँ दे दो भैया, पैदल नहीं चलने चाहिए, बस पैर हिल ले कुछ भी करे, पैदल नहीं चले, हमारे पैर नहीं टकने चाहिए धरती पे, धरती पे बस, ऐसा कुछ हो तो दे दो। एमी, एमी को बिठा लूंगा आगे, ठीक है, वो बनवा लूंगा सीट कवर, वो बनता है ना साइकिल में, देखा है पहले आपने? मेरे पापा बनवाते थे मान लिए, तो उस पीछे अंकिता बैठ जाएगी, मैं मेन सीट पे और एमी आगे, और भाई तीनों बाप बैठा जाएंगे, मस्त वीडियो में तगड़े चलेंगे हमारे। कैसा लगा आज हमारे यहाँ? नहीं हमारे को अच्छा लगा, अच्छा लगता था पहले से, तभी तो हम लोग आए, वरना बहुत ही कम चांस होता है कि हम कहीं जाते हैं। बट हम आपके प्रोग्राम में आए, अच्छा लगा, हमारे घर में और आपके घर में दोनों के घर में लक्ष्मी जी आई है, तो जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी आ रही है मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। मैं लक्ष्मी जी के भैया ना नहीं करने का, नहीं तो लक्ष्मी जी जिस दिन ना कर दी ना, एंड पक्का है उस दिन अपना ना हो जाएगा बस। भाई हम लोग आ गए होटल पे पदारोसा, आर के डाणी रेस्टोरेंट, भाई की होटल है, प्रमोशन भी कर रहा हूँ, आ जाना कोई इधर दोसा की साइड में आओ तो खाना वाना खा के जाना, सही है ना? बिल्कुल। कौन सी रोड पे है ये? ये NH21 पे है, खेड़ला गांव पड़ता है, मेहंदीपुर बालाजी से 6 किलोमीटर आगे फिक्स। हाँ तो भाई अब थोड़े दिन में इनके रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, तो फिर होटल पे रह के भी जाना आप लोग, है ना, अपना भाई है, मित्र है अपना। अच्छा वो सुंदर राज यार रखी है क्या आपके यहाँ पे? रखी नहीं मेरी, सही है भाई, बढ़िया है। तो भाई साहब ताकि खटा 12 बच्चे रहते, मैं खाली बैठ रहा हूं।